अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शाहिल इस्तान। करंटली आई एम वर्किंग एज एन मार्केटिंग मैनेजर इन ग्रीन गोल्ड एग्री सीड। अच्छा, आज ना मेरा विजिट था अलीपुर का, और मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था अलीपुर विजिट का वो ये था कि हमारी यहाँ पे ना बाजरा की एक वैरायटी लगी हुई है शहनशाह, तो इसके बारे में हम चाह रहे थे कि एक वीडियो बन जाए और जिसके अंदर हम इसकी जर्मिनेशन भी दिखा दें और इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट जो हैं वो आप लोगों को दिखा दें, ताकि जो जिन इलाकों में अभी लोगों ने लगानी है फार्मर्स को, उनको इसके बारे में जो है वो पता लग जाए। मेरे असल में डिफरेंट सिटीज़ में विज़िट हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये शहनशाह की जो है वो सेल वो बहुत अच्छी है। और पहले जब मैं ऐसे विज़िट में कर रहा था तो मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी कि ये इसकी इतनी ज़्यादा सेल कैसे है। तो वो जब मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने यहाँ पे विज़िट किया फील्ड, तो जब मैंने इसके रिजल्ट्स देखे हैं तो उसके बाद मुझे जाके थोड़ा सा हुआ कि ये माशाल्लाह इसकी जो है वो इतनी डिमांड क्यों है मार्केट में। सबसे पहले तो ये इस तरह है कि इसकी आप हाइट देख लें, माशाल्लाह ये अभी इसको 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, क्योंकि 50 डेज़ हुए हैं, और माशाल्लाह इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 7 फीट तक इसकी हाइट है, मैक्सिमम जो इसकी हाइट है वो 7 फीट है। अच्छा, उसके अलावा जो इसके टिलर्स हैं, अगर आप नीचे से इसको गौर से दिखाएँ तो कम से कम 8 to 10 पिलर्स जो हैं वो एक ही जगह से वो निकल रहे हैं, और इसकी आप अगर देखें तो इसकी जो ये टिलर हैं वो इतने मज़बूत हैं माशाल्लाह कि इसको आगे जो अगर विंड की स्पीड ज़्यादा भी हो जाती है तो इसके आगे बड़ा अच्छा ये रेजिस्ट करते हैं। इसके अलावा ये जो वाटर रेजिस्टेंट वैरायटी है हमारी, और हीट रेजिस्टेंट दोनों, यानी कि वाटर रेजिस्टेंस भी इसके अंदर है, हीट रेजिस्टेंस भी है, और इसके अलावा ये हमारी जो वैरायटी है वो डिजीज़ रेजिस्टेंस है। अच्छा, इसके अलावा ये तकरीबन 90 दिन में ये तैयार हो जाती है हमारी ये वैरायटी, और जो इसका कलर आप देख लें माशाल्लाह से फुली ग्रीन कलर है इसका। और अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात करें इस टाइम, तो इसकी तकरीबन जो पर एकड़ प्रोडक्शन है वो 50 to 52 मन इसकी प्रोडक्शन आती है। और अभी अगर आपको थोड़ा सा क्लोजअप करके हम दिखाएं इसका ये सिड्डा जो है, ये माशाल्लाह इसकी तकरीबन 1 फीट तक इसकी जो है वो लंबाई है, और हर सिट्टे के अंदर कम से कम 2200 to 2500 सीड्स जो है ना वो पर सिट्टा ये इसकी प्रोडक्शन होती है। यानी कि अभी इस तरह बिल्कुल आपके सामने ये सारी चीज़ें, पूरी फील्ड आप देख सकते हैं, इसकी हाइट, इसकी सिट्टे की हाइट, अभी तो इसने सीड नहीं देना शुरू किया, अभी तो इसको 2 मंथ्स भी नहीं हुए, तो माशाल्लाह इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है। तो ये अभी इंशाल्लाह हम आपको फार्मर्स के रिव्यू भी दिखाएंगे, इंशाल्लाह ताला उनसे हम बात करेंगे और वो आपको हमारी इस वैरायटी के बारे में। अच्छा, इसके अलावा इस तरह है कि ये एक तो मैंने आपको उसके सीड्स के बारे में बता दिया कि आप इसका एक जो पर्पज़ है वो, उसके अलावा इसको आप जिस तरह इसको आप उसके लिए लाइव स्टॉक फीड के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आप उसे इसका जो बाकी जो ग्रीन पार्ट है उसको आप एज अ फॉडर यूज़ कर सकते हैं, और ये इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं, जो लाइफ स्टॉक एनिमल्स हैं वो इसको पसंद करते हैं। उसकी सबसे एक बड़ी वजह ये है कि ये जूसी हैं, और इसकी वजह से एनिमल्स के जो वो मिल्क है, मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, इसमें मीट है, मीट वो वेट गेन करते हैं एनिमल्स, तो ये इसको आप जो है वो लाइफ स्टॉक और वैसे इसके जो सीड्स हैं, यानी कि दोनों पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे साथ काशिफ साहब इस टाइम हमारे सामने मौजूद हैं, और इन्होंने बेसिकली इनकी ही ये ज़मीन है और इन्होंने ये बाजरा यहाँ पे ग्रो किया, तो इनसे ये पूछते हैं कि इनके क्या रिमार्क्स हैं। जी, ये ना हमने शहनशाह बाजरा बीजा था, एक बीज का 7-7 8-8 टिलर हुए हैं, और उसके बाद इसकी हाइट भी 7 से 8 फुट है, और सिट्टा भी 1.25 फुट का है, फुट से ज्यादा है, और पिछले साल भी बोई थी हमने, औसत भी अच्छी देती है, 18-20 मन देती है बीघा, समझे 40 मन एकड़ हमने उठाई है। और इसके बाद जी और उसके बाद सर ये टिलर भी मजबूत है इनके, सिट्टे की लंबाई भी अच्छी है। अच्छा, इसको आप भी यूज करते हैं जानवरों को खिलाने के लिए, चारे के लिए भी? जी चारे के लिए भी, जो इसके है ना टिलर कमजोर वो भी खिलाते हैं, और इसके बाद इनकी बाजरी भी ये 50 दिन का है, जिसमें इसने समझो 7 फुट का कद कर लिया।